नमस्ते दोस्तों, चाय किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी एक करी जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। एक करी बनाने के लिए ये मैं उबला हुआ अंडा ली हूँ और दो हिस्से में काट ली हूँ। और मैं आलू डाल के बनाऊंगी। तो ये मैं उबला हुआ आलू ली हूँ, इसे भी छोटा छोटा काट ली हूँ। तो चलिए अब इसके लिए मसाला क्या क्या ली हूँ देखिए। तो देखिए क्या क्या ली हूँ। सूखा मिर्च, धनिया, जीरा, तीखा अपना कम बेसी कर सकते हैं। और ये ली हूँ गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, एक इलायची और अदरक, लहसुन, थोड़ा सा प्याज, टमाटर, सारे चीज़ें मैं एक साथ पीस लेती हूँ। तो देखिए सारे मसाले को मैं एक साथ पीस ली हूँ। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ। अब मैं अंडा को फ्राई करूँगी। तो चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गया है तो दे देती हूँ थोड़ा सा तेल, इसी में दे देती हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी। अब मैं थोड़ा सा फैला देती हूँ तेल को ताकि चिपके नहीं अंडा। पूरे कढ़ाई में तेल को फैला दी हूँ। तो अब मैं दे देती हूँ अंडा को। तो देखिए सारा अंडे को दे दी हूँ। तो अब मैं उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए अंडा को मैं उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं आलू को फ्राई करूंगी। तो इसी कढ़ाई में दे देती हूँ थोड़ा सा तेल। अब मैं दे देती हूँ आलू को थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी। अब मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आलू फ्राई हो गया है तो अब मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। तो इसी कढ़ाई में दे देती हूँ तेल। तेल गर्म हो गया है तो दे देती हूँ एक तेज़पत्ता, कटा हुआ प्याज। अब मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। प्याज फ्राई हो गया है तो अब मैं दे देती हूँ पिसा हुआ मसाला, थोड़ा सा पानी, दे देती हूँ स्वाद अनुसार नमक, हल्दी। अब मैं मसाले को 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मसाले को मैं 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ। देखिए मसाले से तेल निकल आया है। तो अब मैं दे देती हूँ फ्राई किया हुआ आलू को और 1 से 2 मिनट तक आलू के साथ मसाले को चला लेती हूँ। तो देखिए आलू को मैं मसाले के साथ चला ली हूँ। तो दे देती हूँ ग्रेवी के लिए पानी। अब मैं ग्रेवी में उबाल आने का इंतजार करती हूँ। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अब मैं दे देती हूँ फ्राई किया हुआ अंडा को। तो देखिए सारे अंडे को मैं एक साथ दे दे रही हूँ और 1 मिनट तक उबाल लेती हूँ। तो देखिए 1 मिनट तक उबाल ली हूँ। तो एक करी बन के रेडी हो गया। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो देखिए मैं नीचे उतार ली हूँ। तो एक करी बन के रेडी हो गया। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो एक बार इस तरह करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरा एक करी बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी में।